नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बताते चले कि पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र से रामदासपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां के रहने वाले शैलेंद्र कुमार व भूपेंद्र कुमार हरिजन प्रधान पद के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय चुनाव में हर सीट पर अपने गुर्गों को चुनाव लड़वाकर दावेदारी करते हैं। शैलेंद्र ने आरोप लगाया है कि उनके विपक्षी चुनाव रंजस वंश के कारण आए दिन हमला होते रहते हैं और पूरे गांव में दहशत बनाए रखते हैं। शैलेंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि उक्त दबंग आए दिन पूरे गांव में किसी न किसी ग्रामीण पर हथियार के साथ हमला करते रहते हैं। जैसा कि 27 अप्रैल को रात्रि लगभग 10 बजे शैलेंद्र की विपक्षी मतगणना में शामिल न होने की दहशत फैलाने के लिए दबंग जमुना सिंह, अजीत सिंह, आकाश सिंह, अतुल सिंह सहित कुछ अज्ञात लोग अचानक से घर में घुसकर हमलावर हो गए। साथ ही साथ चोटिल हुए लोगों के द्वारा थाना गोसाईगंज पुलिस को लिखित तहरीर दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज अपराध संख्या 227 2021 धारा 147 308 323 504 506 452 SC/ST पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बात तो यह सामने आई है कि पीड़ित ने SP सुल्तानपुर से न्याय की गुहार लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग करी है, लेकिन ऐसे दबंग को गोसाईगंज पुलिस के द्वारा अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। देखना यह होगा कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। कहाँ घर पड़ेगा? मैं निवासी हूँ रामदासपुर ग्राम सभा। क्या मामला है? प्रधान को लेकर पुरानी रंजिश है। जो पुराना प्रधान है वो दो बार प्रधान खुद रहा, फिर अपने घरवा को जितवाया, तो उस समय से थोड़ा विवाद बढ़ा। उस समय क्या नाम है प्रधान का? जमुना सिंह नाम है उसका। अच्छा, तो पिछली बार जो है उसका एक घरवा लड़ा, वो जीत भी गया और मेरे एंटी ही जीता था, क्योंकि मैं कुछ छोटों से हार गया था, तो उससे दुश्मनी बढ़ गई थी। फिर दंगा फसाद किया, घर में घुस कर के आया, राइफल वाइफल लेकर के धमकी गोली मार देंगे। वही जमुना सिंह और उसके कुछ गुर्गे। अच्छा, वो गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम भी है पहले से भी। अच्छा, तो फिर उसके बाद में हम भी गए उसके घर पे, थोड़ा धमकी उमकी दिए, तो जैसे ने कहा तो क्रॉस केस हो गया, अब तो कुछ बनेगा नहीं भाई। फिर अब की बार चुनाव में तो OBC सीट थी, चूँकि हम लोगों ने राजेश यादव का सपोर्ट किया, खुल्ला सपोर्ट किया तन मन धन से, तो उस रंजिश को लेकर के फिर हमलावर हो गया। कल घर पे आया रात को। कितने लोग रहे साथ? अरे रहे होंगे लगभग 15 से 20 लोग। अच्छा, रात में तो इतना काउंटिंग कर नहीं सकते यार। तो हमला किया जिसमें सर में भी चोट आ गई और हाथ मेरा जो है उंगली फ्रैक्चर हो गया पूरी तरह से, और औरतों के ऊपर जो है जा करके घर में मारना पीटना करना। थाने गया था रात में ही, तो FIR तो बोले लॉन्च हो जाएगी। फिर मेडिकल के लिए भेजा जयसिंहपुर ब्लॉक पे, तो वहाँ रात में बोला कि ये रात में तो मेडिकल कर नहीं पाएंगे, सुबह आइएगा। तो सुबह मैं थाने पे गया, पहले बुलाया गया था, तो पता लगा कि FIR लॉन्च कर ली गई है, कुछ धाराएं लगाई गई हैं। फिर ये हुआ, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। फिर मेडिकल के लिए बुलाया वहाँ जयसिंहपुर, तो गया मेडिकल करा के आया, फिर बोला जाके एक्सरे करा लीजिए, तो जिला अस्पताल आया। फिर उसके लोग भी, कुछ लोगों को फर्जी तरीके से जिनका उसमें नाम ही नहीं है, वो भी गए थे मेडिकल वेडिकल कराने, दिखे थे वहाँ पे उसी गाड़ी से 99000 से स्कॉर्पियो की। जमुना सिंह के साथ कुछ और लोग आए थे जिनका आप नाम जानते हैं? हाँ, जमुना सिंह के साथ आया था अजीत सिंह, वो शेर बहादुर सिंह का लड़का है, और दूसरा आया था एक आपके ही गांव के रहने वाले हैं। हाँ, गांव का ही है, उस विद्यालय भी चलाता है फर्जी जमीन पे, प्राइमरी विद्यालय के। अच्छा, और दूसरा एक अतुल सिंह करके है, वो अभी दिल्ली में रहता था, इधर आया चुनाव में, काफ़ी दिन से दिख रहा है। अच्छा, शिव पूजन कौन है उसके? तो कार्रवाई हो सकती है, क्या कहा है एसपी ने? और जी कौन सी कोतवाली लगती है आपकी? हमारा थाना गोसाईगंज लगता है, कोतवाली नहीं लगती है गोसाईगंज। हाँ, जसो साहब क्या बताए? गिरफ्तारी तो मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन दीवान जी से मुलाकात हुआ, उन्होंने कहा कि FIR लॉन्च कर लिया गया है, गिरफ्तारी के बारे में कोई चर्चा नहीं। फिर धमकी उनके दे रहे हैं कुछ? धमकी तो अभी लगातार मिल रही, दिन भर भी फोन आ रहा है कि आज बाहर से गुंडे आ रहे हैं, आके बैठे हुए हैं, आज गोली मार देंगे, पुनः तांडव मचाएंगे। और अवैध असलाह लेके आता है, उसके भाई का लाइसेंस है, मिलिट्री में था, लेकिन पता नहीं कहाँ से पिस्टल लेके आता है। इससे पहले 5 साल के बीच में कई लोगों के घर में घुस करके पिस्टल की नोक पे धमकाया, डरवाया, मारा पीटा, FIR भी नहीं दर्ज होने दिया, समझौता भी करवाया। ऐसा तो उसका मतलब हैबिट में आ गया, लोगों से कहता भी है कि यही मेरी रोजी रोटी, मेरे पास कोई काम तो है नहीं। दवाई इलाज कहाँ से हो रहा? अपना दवाई इलाज अभी तो ब्लॉक में टेम्प्रोरी लिया था, फिर मैं आकर के जसलोक में करवा रहा हूँ, चूँकि वहाँ से थोड़ा जसलोक नर्सिंग होम। हाँ, जसलोक नर्सिंग सुल्तानपुर, चूँकि वहाँ उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, यहाँ बहुत ही बेहतर सुविधा। ठीक।